बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी से आज आपको एरिया ऑफ सर्कल्स से रिलेटेड क्वेश्चन की सुपर शॉर्टकट टेक्निक समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। क्लास 10th का, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, सबके ऑल ओवर इंडिया में ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में मैं 4 मिनट लगाऊं, 4-4 मिनट के सवाल हैं, एक एक स्टेप करूं ना, स्टेप नहीं। अब देखिए कैसे शॉर्टकट ट्रिक होती है। तो पहला सवाल है, देखिए आपके सामने पहला सवाल आया, ABCD ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो सेक्टर का, इसका रेडियस ऑफ द सेक्टर ABCD इज ए यूनिट, ठीक है साहब। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जिस शेडेड रीजन, तो वैसे अगर आप करेंगे तो आप पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इसमें से एक ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, आ जाएगा आपका। अब इतनी देर भी हम क्यों करें, हम इतनी देर भी क्यों करें, तो इसका एरिया आएगा, आएगा टू, याद रखिएगा, 2A² / 7 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया पहले का क्वेश्चन है, ए क्या चीज है, ए रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 2A² / 7 एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। ए क्या चीज है, ए जो है रेडियस है, अगर स्क्वायर है तो साइड है उसकी, और नहीं तो रेडियस। आप तो अभी तो हमने रेडियस दिया, स्टैंडर्ड में हर सवाल को ए में लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए था दूसरा क्वेश्चन में, देखिए एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ए सेंटीमीटर मान लीजिए, ए सेंटीमीटर है, ए यूनिट मान लीजिए, ए यूनिट साइड है इसकी, ठीक है। अब वो इसमें कह रहा है इसमें शेडेड रीजन निकालिए, तो शेडेड रीजन क्या भाई, ये क्या बन रहा है, सेक्टर, सेक्टर बन रहा है, पहले जैसा सवाल हो गया, अब क्यों उन्हें स्क्वायर के अंदर रख दिया, तो इसका एरिया क्या आएगा, लीफ का हाफ लीफ है ये, क्या आएगा एरिया ऑफ द सेक्टर इज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2A² / 7 स्क्वायर यूनिट, यूनिट भाई इसमें क्या था, ये सवाल में इसमें भी तो देखिए वही चीज है, वही है, उन्होंने एक स्क्वायर बना दिया, तो आंसर क्या आएगा, 2A² / 7, समझ गया। चलिए अब भाई तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं है तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, तीसरा सवाल है, ए स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट मानिए, ये सेंटीमीटर, मैं यूनिट कह रहा हूँ, ए यूनिट का एक स्क्वायर है, और उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकालना है। कैसे करेंगे, अभी आपने अभी तो करा था, अभी आपने जो ऊपर वाला हाफ निकाला था उसका डबल कर दीजिए, पूरी लीफ का आ जाएगा। फिर भी बताइए कैसे करेंगे, तो हम इसका करेंगे, सवाल समझ गए आप, सवाल समझ गए। चलिए तो इसका आंसर आएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बस 2A² पहले का आया था, इस लीफ का डबल करेंगे तो 4A² नहीं आएगा, 4A² / 7 स्क्वायर यूनिट भैया ने, बस साइड आपकी कुछ भी हो, वो रेडियस 7 सेंटीमीटर कह दे, 14 कह दे, 14/2 कह दे, कुछ भी कह दे, तो यहाँ एक ही जगह रेडियस रखना है आपको, साइड रखनी है, स्क्वायर का मतलब रेडियस ही तो है सेक्टर का, तो बस ये आ गया आपका यूनिट का। क्या कह रहे हैं, याद कैसे रखेंगे, अच्छा याद कैसे रखेंगे, लो भाई याद करने की भी तरकीब बताते हैं, 1 2 3 4 कितनी साइड है इसकी, 4 साइड, तो 4 साइड माने साइड एरिया में स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, तो 4A² आ गया, तो 4 7 7 7 7 4/7 यानी 4 साथी 7 7 जा रहे हैं, ये याद करने का तरीका। इससे पहले याद करिए 2 साथी 2 साथी 2A² था, 2 साथी 7 7 क्यों, क्योंकि उसमें देखिए यूं करके दिखाया था, एक साइड और एक साइड दिखाई थी, इसमें क्या है 4A² / 4, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं, चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है साहब, कोई बात नहीं साहब, क्या आया, देखिए यहाँ भी स्क्वायर ऑफ ए साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन, डिजाइन है ऑफ द गिवन फिगर वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट, ठीक है, ए यूनिट का स्क्वायर है,
एंड सेमी सर्किल आर ड्रॉन विद ईच ऑफ द साइड एच डायमीटर. सेमी सर्किल आर ड्रॉन एच ईच ऑफ द साइड डायमीटर. इस साइड को डायमीटर मान के हमने सेमी सर्किल आर ड्रॉन करें. वो फिगर आई आपको सामने, फिगर आई. आपको ये पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर की साइड क्या है, ए ए है. पर यहाँ भी 4a² / 7 कर दीजिए. इस क्वेश्चन का आंसर भी 4a² / 7 आएगा. 4a² / 7 समझ गए. करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर दीजिए. इसकी साइड अगर ए दी है तो आपका जो है इसका एरिया भी 4a² / 7 आएगा. ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल. अब आया चित्र साहब, ये वाला चित्र आया. इसमें क्या दिया, इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह रहा. इसमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ए बी सी डी द स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन ईच साइड एज डायमीटर. वही सवाल है, वही है भाई पहले वाले में. तो आपने ये सवाल देखे हैं अगर, तो आपने पहले इस अंदर वाली पत्तियों का निकाला था, 4a² / 7 निकाला था. भाई अब इसमें क्या बात है, इस एरिया को घटा दीजिए, पूरे स्क्वायर के एरिया को इसमें से घटा दीजिए भाई. 4a² में से ये 4a² इस चार पत्ती का आया था, अब ए स्क्वायर में से घटा दीजिए. देखिए a² - 4a² / 7 तो क्या आएगा, ये 3a² / 7. तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3a² / 7. इसका जरा था चेंज हुआ, क्या आया 3a² / 7. किसका, 1, 2, 3, 4 ग्रीन चार पार्ट के. अब याद रखिएगा, देखिए 3a² / 7 आया. इसका कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया करके. ठीक है, ये करके दिखा दिया. अब देखिए, अब फिर देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही आ गया. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड ए पी बी एंड सी पी डी आर सेमी सर्किल. ठीक है भाई, ये दो सेमी सर्किल हैं, एक ये सेमी सर्किल है और एक ये सेमी सर्किल है. देखिए इसमें देखिएगा, ये सेमी सर्किल और एक ये सेमी सर्किल. पहले वाले में उन्होंने इधर भी सेमी सर्किल खींचा था, तो कोई बात नहीं. पहले वाले के हमने ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही तो निकाले थे, एरिए चार पार्ट आए थे. आपका उसका आधा कर दीजिए, आपका दो ही तो कह रहा है भाई. तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, इसका हाफ कर दीजिए. तो 3a² / 7 इसका आधा कर दीजिए भाई. दो ही पत्ती तो हैं यहाँ, पहले इधर एक इधर थी, एक इधर थी, इधर थी. देखिएगा आप चित्र में, देखिएगा चित्र में दिखाते हैं आपको. देखिएगा, देखिए चित्र में देखिएगा, पहले वाले में ये एरिया निकाला था, साइड ए थी, चार जगह निकाला था. आपका दो ही जगह है, आपका दो जगह. जब दो जगह होता है तो उसका हाफ कर दीजिए. हाफ करेंगे तो क्या आएगा, हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 3a² / 14 आया. चलिए साहब 3a² / 14 कर दीजिए. यहाँ पर 3a² / 14 लिख दीजिए, बस ये आंसर आ गया आपका. तो इस सवाल का आंसर आया 3a² / 14 a² यूनिट. क्लियर हो गया. चलिए अब आगे चलते हैं साहब, सवाल दूसरा सवाल का. अब देखिए साहब सवाल देखिए, ए बी सी डी. देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आता है, शॉर्ट हर साल बोर्ड में 4 नंबर में आता है, लेकिन ये इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है अगर, तो देखिएगा. ए बी सी डी ये क्वाड्रेंट है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट, और बी सी को डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल बी सी को माना, और उसके बाद सेमी सर्किल इज ड्रॉन. सेमी सर्किल खींचा बी सी ई, ये बी सी ई एक सेमी सर्किल खींचा. ठीक है, तो आपसे कह रहा है शेडेड रीजन के निकालो. तो इस तरीके के सवाल में जब भी शेडेड रीजन का इस तरीके का सवाल आएगा, तो बेस फिगर का एरिया याद रखिएगा. बेस फिगर क्या है, इसमें ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, साइड ए इंटू ए, तो इसका एरिया आ गया 2a² / 2. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2a² / 2. ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट 2. तो बेस भी ए है, हाइट भी है, बेस इंटू हाइट 2. तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया. आपको ये बातें याद रखनी है,
मैं जितनी टेक्निक बता रहा हूँ जी, आप याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे फेयर कर लीजिए और कर करके करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है ए बी सी। तो उन्होंने क्या करा, जिसकी साइड है ए बी और सी, हाइपोटेन्यूज की साइड सी है, इसकी बी है और दूसरी साइड ए है, तो देयर आर थ्री सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग ए बी, ए बी सी और ए सी को डायगनल लेकर उन्होंने थ्री सर्कल आर ड्रॉन कर दिए, थ्री सर्कल, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने थ्री सर्कल ड्रॉन करे ना, ए सी को करेंगे तो ये वाला जाएगा, बी सी को करेंगे तो ये बी सी को करेंगे जी। अब आपसे कह रहा है कि हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो, बेस फिगर, बेस फिगर, बेस फिगर क्या है इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? साइड का ए इंटू बी बाई टू, बस ये बता दीजिए आप, एकदम आ जाएगा आंसर, ए इंटू बी बाई टू। आई समझ में? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में? देखो, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड ए स्मॉल बी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ सी है। अगर हम तीनों को डायमीटर मानकर सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं, हमने ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताइए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का तरीका है ए बी बाई टू साइड का। इससे आसान तरीका नहीं होगा। देखिए फोर्थ सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसे हम मिटाते हैं। फोर्थ सवाल आपके सामने आ रहा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब कोई सा भी ए सी या बी डी को डायगनल लेकर, लेंथ ऑफ डायगनल लेंथ लेकर एक सर्किल इज ड्रॉन, ये सर्किल कहता है, पिंक कलर में जो देख रहा है सर्किल इज ड्रॉन, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ए बी यानी साइड ऑफ लेंथ जो है ए बी बी सी, हर साइड पर एक सेमी सर्किल खींचा, ये सेमी सर्किल आ गया। तो पिंक, ये ग्रीन वाले का शेडेड रीजन का एरिया पूछा, तो यहाँ भी कुछ नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? बेस फिगर का स्क्वायर। बेस फिगर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड क्या है? ए, तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यूनिट। आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बेस फिगर के सवाल थे, बेस फिगर के सवाल ऐसे ही होते हैं, करने में आसानी रहती है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी पी इज ए सेमी सर्किल टेकिंग विद ए बी एज डायमीटर। ए बी को डायमीटर मान के सेमी सर्किल खींचा, ठीक है साहब, सेमी सर्किल खींचा, और ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट, ए बी सी क्वाड्रेंट है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कह रहा है। देखिए देखिए, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रेंट है, देखिए इसमें देखिएगा, ये क्वाड्रेंट है और ये सेमी सर्किल खींचा, इसे डायमीटर मान के। साइड स्क्वायर की क्या है? ए है, बस। अगर ये साइड की स्क्वायर है तो रेडियस इसका ए बाई टू होगा। आप सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से आप सेमी सर्किल का एरिया घटाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, लग जाएगी। इसका आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर बटा आठ, पाई ए स्क्वायर बटे आठ। दिस इज द आंसर, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत आता है, हर कंपटीशन में आता है ये सवाल। देखिएगा क्या सवाल, देखिए फिगर देखिएगा, वो कह रहा है फोर इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर यूनिट आर सेंटीमीटर, फोर सर्कल, वन टू थ्री फोर, फोर सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस आर सेंटीमीटर टच ईच अदर, वन अनदर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द एनक्लोज एरिया बिटवीन दैम, यानी शेडेड रीजन कह रहा है, हमसे तो शेडेड रीजन की बात हो रही है, तो शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का एरिया बताना, तो ये शेडेड, फिर सवाल समझ लीजिए आप। देख, फोर इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर यूनिट टच ईच अदर, आर यूनिट है तो भाई, तो कोई बात नहीं, सिक्स आर स्क्वायर बटे सेवन, ये कर लो, इसमें क्या बात है, यहाँ साइड नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ना स्क्वायर है ना साइड है, तो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस मैंने निकाल दिया। अगर ये स्क्वायर भी होता तो भी मैं ऐसे ही करता अभी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ।
थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। अच्छा यहाँ भी थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, रेडियस आर है, ठीक है आर है, टच ईच अदर देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वो बहुत ही आसान सवाल है भाई, शेडेड रीजन थ्री सर्किल है, इनका रेडियस आर है, तो इसका 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 आंसर होता है, याद रखिएगा 0.161, ये जीरो है यहाँ, ये डॉट है, यहाँ जीरो लगा सकते हैं आप याद करने के लिए, ये फिगर याद रखिएगा 161। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया, 0.161 ए स्क्वायर। अब वो कहेगा नहीं साहब हमको तो वैसे उनने वैसे दिया हो तो ऐसा दिया हो तो ऐसा करेंगे हम, अंडर रूट थ्री माइनस पाई बाई टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा दिया तो ऐसा कर देंगे, अगर आंसर इस शेप में दिया है तो ऐसा लिखेंगे, इस शेप में दिया अगर राउंड फिगर में कोई आंसर आ रहा तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए साहब अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल इन ए सेमी सर्किल। ओहो सेमी सर्किल है भैया, ये सेमी सर्किल है, देखिए एक सेमी सर्किल है जिसका रेडियस आर सेंटीमीटर मैंने लिया, तो वो कह रहा है इस अंदर वाले सर्किल का एरिया बताइए, अंदर वाले सर्किल का एरिया, तो क्या आएगा अंदर वाले सर्किल का एरिया आएगा, अंदर वाले सर्किल का एरिया क्या आएगा, पाई पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, आर क्या है नीचे वाले सेमी सर्किल का रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर बटे फोर स्क्वायर यूनिट, ये इसका आइया स्क्वायर का, आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए साहब इन रेडियस ऑफ ए सर्किल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके साइड ए दी है, इसके अंदर जो सर्किल बनना है इसका रेडियस करते, तो इसका रेडियस याद रखिएगा, अगर आप याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा ए अपॉन टू अंडर रूट थ्री होता है, उसका फार्मूला भी है इन रेडियस निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ पर यह निकालना है कि इस वाले सर्किल का एरिया कितना आएगा, इस वाले सर्किल का एरिया यह आएगा पाई ए स्क्वायर बटे बारह स्क्वायर यूनिट, अंदर वाले अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन रेडियस उसके अंदर एक सर्किल है उसका एरिया आएगा डायरेक्ट पाई ए स्क्वायर बटे बारह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने ये तो कर लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या दूसरा ट्राइंगल हो, सपोज करो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका इन रेडियस का तो आपने निकाल लिया, अब क्या है आपके क्या है सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस यानी एक सर्कल बाहर खींचा हुआ है ट्राइंगल है और सर्कल उसका एरिया पूछा, उस सर्कल का एरिया पूरे सर्कल का एरिया पूछ रहा है इस सर्कल, ये ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है इसके बाहर का एरिया, तो इसका याद रखिएगा इसका रेडियस होता है ए अपॉन अंडर रूट थ्री, जब ए अपॉन अंडर रूट थ्री करेंगे तो एरिया आएगा पाई ए स्क्वायर बटे थ्री, पाई ए स्क्वायर बटे थ्री स्क्वायर यूनिट, ठीक है आया समझ में। चलिए तो बच्चों ये है शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आप इसको थोड़ा सा मनन करें ध्यान करें और इन फार्मूलों को अगर आप याद करेंगे तो आप सेकंडों में सवाल के जवाब लिखा लेंगे, चित्र देखते के साथ ही चित्र देखेंगे और सवाल का जवाब लिख देंगे, ठीक है समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया तो कृपया करके आप इस मेरे चैनल मैथ सफारी को सब्सक्राइब करना, समझते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है चलो।